खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात जोधपुर की, जहां पर अगर कोरोना कंट्रोल हुआ है तो उसमें जिला पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही है। आपको बता दें, कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में भी बेखौफ होकर पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में पल पल नजर बनी हुई है। इस बीच अब तक 175 से ज्यादा FIR दर्ज हुए हैं और 7000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। इस दौरान डीसीपी धर्मेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव गौड़ ने। अगर जोधपुर में कोरोना कंट्रोल आ रहा है तो उसके दो वजह, एक आपकी इच्छा शक्ति और दूसरी इनकी शक्ति, ये ताकत देखिए। ये तमाम जवान कठिन चुनौतियों में, परिस्थितियों के बीच में, बिना किसी बीमारी की, बिना कोरोना की परवाह किए जिस तरीके से ड्यूटी दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की पालना करने के साथ में मास्क लगा करके जिस तरीके से रूटमार्च करते हैं, अलग अलग कर्फ्यू के इलाके में जो ड्यूटी देते हैं, उनका जज्बा देखिए, हौसला देखिए, एक एक जवान देखिए, हर गाँव से, ढाणी से कहीं जो जवान आता रहा देखिए, जिस तरीके से एक महिला शक्ति की तस्वीर देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा जज्बा पैदा करने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन में तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो जवान हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कर्फ्यू के इलाके के अंदर जिस तरीके से ये रोजाना एक सिस्टम चलता है, प्रोसीजर चलता है, उसकी पालना करते हैं, जनता सुरक्षित रहे, जनता इसकी पालना करे। जो जोधपुर के अंदर जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में कर्फ्यू है और जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन की पालना कराने के लिए पुलिस मुस्तैद है, ये उसकी तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जो आपको सावधान करती है, सचेत करती है कि आप अगर सावधान नहीं रहे तो इस तरह के हालात लंबे चल सकते हैं। अगर लॉकडाउन और कर्फ्यू खुलवाना है तो उसके लिए आपको घरों में रहना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंस की पालना करनी होगी। और ये रूट मार्च जिस तरीके से एक नियमितता का हिस्सा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी इस बात करते हैं। जरा देखिए तस्वीरों में, आप देखिए इस वक्त ऊपर भी जो लोग हैं वो मास्क लगाए हुए हैं और कहीं ना कहीं घरों से जो तस्वीर आ रही साफ तौर पे सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं। तो ये तस्वीर ऐसे ही नहीं बनती है। जो इस इलाके के DCP धर्मेंद्र सिंह है, जरा उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उनके निर्देशन में उनकी पूरी जो टीम है इस नागौरी के इलाके में जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। उनसे जरा बात कर, धर्मेंद्र सिंह जी, क्या किस तरीके से ये रूटीन रहता है, लेकिन क्या जनता से आप कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो 24/7 है, पुलिस डिप्लॉयड रहती है, किसी भी शिफ्ट में कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि एक घंटे के लिए भी हम लोग कर्फ्यू रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। एक भी अगर केस कोई या व्यक्ति बाहर चला जाता है तो पूरा कंटेनमेंट जोन का जो प्रिंसिपल है वो फेल हो जाएगा। और जनता का जहाँ तक सवाल है, अभी तक कोऑपरेशन ठीक है, जहाँ नहीं है काफ़ी सख्ती भी दिखाई गई है। मल्टीपल FIRs लगभग, आज सुबह ही देख रहा था मैं रिपोर्ट, 175 के आसपास तो FIR हो चुका है, 7000 चालान है और कुछ लगभग 1800 वाहन भी जब्त हुए हैं। तो जो नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती भी बहुत है, और अदरवाइज जनता का कोऑपरेशन ठीक है। सप्लाईज सही होने के कारण कर्फ्यू का मैनेजमेंट जो है वो ठीक हो जाता है। तो देखिए, कर्फ्यू का मैनेजमेंट है, वही सब पालना कराने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जिस तरीके से जो तमाम जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो जुटे हुए हैं, वो कहने का अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देते नजर आते हैं। इसलिए हमारी भी आपको यही सलाह, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस की पालना करें, मास्क लगाएं। सर, मानसिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।